हेलो जी, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मेरी हो रही है, देखिए, वेजिटेबल, थोड़ी सी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। और गर्मियों में कौन कौन सी, अभी भी अप्रैल महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ तो मैंने पहले ही लगा ली थी और कुछ अभी लगाई है। तो छत में दिखाती हूँ कि कौन कौन सी मैंने सब्जियाँ जो है छत में लगाई है। और देखिए, यहाँ पे ये कुछ सफ़ेद बैंगन यहाँ पे लगे हुए थे, तो यहाँ से मैं ये बैंगन हार्वेस्ट कर रही हूँ। बैंगन का पौधा तो मुझे लगता है ना सदाबहार है, जो कि कभी भी लग जाता है किसी भी मौसम में, और 12 महीने जो है ये सब्जी देता है। तो अब मैं आ गई हूँ टेरेस में। और बैंगन ऐसा पौधा है जो कि गमले में भी हो जाता है, ज़मीन में तो होता ही है, पर गमले में भी ना भर भर के आपको हार्वेस्टिंग ये देता है। ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, कीड़ा वगैरह लगने की कोई इसमें टेंशन नहीं होती है। और देखिए कितने अच्छे, पूरी एक प्लेट भर के देखिए सब्जी यहाँ से निकली है। और ये है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च भी जो है आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कौन कौन सी सब्जियाँ मैंने लगाई हुई है। टूर आपको टेरेस गार्डन टूर करवा देती हूँ। देखिए, इस पॉट में मैंने लगाई थी भिंडी, पर भिंडी तो मेरी सूख गई, बस ये धनिया ही धनिया हो रहा है। आधा मैंने यहाँ से उखाड़ भी दिया है, दूर दूर छोड़ा है, पर देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और इसमें एक तरबूज का ये पौधा है, ये देखो, और एक ये ककड़ी का है। और अब देखिए यहाँ से जो है स्टार्ट होता है हमारा टेरेस गार्डन। ये इधर लगी है ककड़ी, तो ककड़ी ना वहाँ पे आप देख पा रहे होगा, देखो वहाँ पे बहुत बड़ी वाली लगी है, ये देखो, बाद में दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे बैंगन मैंने आधे निकाले थे, आधे देखिए अभी बचे हुए हैं। इसमें बहुत नहीं क्या क्या है, ककड़ी है, फिर टमाटर भी लगे हुए हैं सर्दियों के, फिर ये तोरी की बेल है, और ये है घिया की बेल, और ये है खीरा। तो इसमें जो है ना खीरा आने लग गए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ मैं, कहाँ देखा था मैंने एक, तो ये देखो छोटा सा, तो छोटे को वहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और ये है शिमला मिर्च, तो ये देखो इसमें जो है ना शिमला मिर्च अब आने लग गई है। हाँ जी, और इसको आना है मेरे कंधे में, इसलिए इसीलिए बोल रहा है। क्या बोल रहे हो आप, हैं क्या करना है? चलो ये ऐसे ही है। और देखो यहाँ पे इस बैंगन की मैंने कटिंग कर दी, और यहाँ पे ये शिमला मिर्च है, ये दो तीन पौधे, बाकी मैंने इसमें भिंडी लगाई है, और इसमें है मिर्ची, तो बाकी आसपास में इसमें धनिया था जो कि मैंने सारा उखाड़ दिया। और ये है हमारा सेब का पौधा, देखिए सेब पता नहीं कब लगेंगे इसमें, पर ऐसे सेब का पौधा है। नींबू, तो नींबू में अभी ना पत्तियाँ आने लगी है, इसमें सारे नींबू थे जो मैंने उखाड़ मतलब निकाल दिए, और फिर पत्ते इसके झड़ गए थे। साथ में ये चुलई है, और इस वाले ग्रो बैग में है मेरे धनिया, और इसमें मैंने लगाई है भिंडी। हाँ ये बहुत बोलता है। और देखिए इस वाले में है मिर्ची, तो हमेशा ना भिंडी जैसे बड़े पॉट में लगानी होती है, मिर्ची इतने पॉट में बहुत है। और इसमें ये चुलई फूल वगैरह है, और इसमें आप देखिए ये ककड़ी देखिए कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है, तो अभी इसको टाइम लगेगा, छोटी है ये और बड़ी होगी, ये देखो कितनी बड़ी है। एक वहाँ पे एक और है, बाकी छोटी छोटी तो ना बहुत सारी लगी है। तो आजकल गर्मियों में ना आप ककड़ी लगा लीजिए, ककड़ी बहुत होती है। ये वाली भी देखिए ककड़ी की बेल है, और वो खीरा की है, और ये टमाटर है, तो टमाटर भी देखिए इसमें आए हैं, आ रहे हैं, टमाटर भी देखिए इसमें छोटे छोटे लगे हैं अभी। और एक देखिए इस यहाँ पे ये बड़ा वाला है, तो दब सा गया, इसको थोड़ा ऐसे में निकाल देता हूँ, ओल निकल ही गया। चलो कोई नहीं, इसकी सब्जी बन जाएगी अब। और देखो ये टमाटर के पौधा है, बाकी इसमें भिंडी लगाई थी, तो मैं चली गई थी दिल्ली ना, तो पता नहीं वो क्या हुआ, वो चल गई भिंडी। देखिए थोड़े बहुत पौधे बचे हैं, बीच में ये खीरा की बेल है, उधर ये ककड़ी की बेल है, ये मिर्ची का पौधा है, और ये बीच में मैंने लगाई है ये पता नहीं कद्दू है कि तोरी क्या है, थोड़ा सा बड़ा होएगा ना तब पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे ये ककड़ियाँ देखिए कितनी सारी लग रही है, ये देखो। हाँ ठीक है, हाँ जी। और ये देखो इस साइड को ये एक पौधा है ना, और यहाँ पे भी सेब का पौधा है, ये पतिदेव ने ना फ्रूट वाले पौधे लगा रखे हैं। और इसमें मैंने भिंडी लगाई थी जो कि सारी मतलब जल गई, धनिया ही बचा है।
ये धनिया भी मैंने दूर दूर कर दिया अब। तो अभी तो बस स्टार्टिंग के चल रही है सब्जियों की। और इसमें ये मिर्ची के पौधे हैं, और इसमें ये देखो ये भी मिर्ची का पौधा है, ये बैंगन, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी। और ये खीरा है, ये तोरी, ये टमाटर है। इसमें ना एक ये मैंने लगाया है घिया की बेल। तो देखो घिया की बेल की ग्रोथ इतनी बड़ी हो गई है, तो इसमें घिया आने लगी है। वैसे ये देखो छोटू सी घिया आ रही है लौकी, है ना। तो और इनमें मैं लगाऊंगी मिर्ची। तो मिर्ची के मैंने बीज इसमें अभी डाले हैं। और इसमें भी मैंने तोरी की बेल लगाई है। इसमें देखिए मिर्ची का एक पौधा जो है वो आ चुका है, और बस कुछ ऐसे ही है। और इसमें भी देखिए भिंडी है, तो इसमें आधी भिंडी मेरी ख़राब हो गई, बस थोड़ी बहुत ये बची है। और ये है हमारी अंगूर की बेल। इसमें अंगूर आए थे पर तूफ़ान आया था ना यहाँ पे, तो तूफ़ान की वजह से सारा फूल छोड़ गया। तो फूल तो आया था इसमें, ये तो पक्का है कि फूल आया था इसमें, पर चलो कोई नहीं, अब अगले साल का वेट करते हैं, अगले साल आएंगे इसमें लगता है। और ये है छोटा वाला जो नींबू होता है ना, ये देखो ये लगे हैं। लगे तो बहुत सारे थे पर झड़ गए। तो बस अब इस तरह से देखिए गर्मियों का जो है मेरा टेरेस गार्डन तैयार हो रहा है। और देखिए इस बार आम के पेड़ में अभी आम नहीं लगे, क्योंकि बोर नहीं आया इसमें, क्योंकि नया पत्ते आए हैं ना इस बार, तो इस बार बिल्कुल भी एक भी आम इसमें नहीं लगा है। और नीचे है मेरा किचन गार्डन, वो देखो। तो अप्रैल महीने में आप एक तो भिंडी लगा सकते हैं, घिया लगा सकते हैं, तोरी लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, और चुलई लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। तो ये जो सारी सब्जियां हैं ना आजकल आप लगा सकते हैं, अप्रैल महीने में हो जाएगी। और ये है हमारा मिठू। तो मिठू का ये बाथ टब देखिए, इसमें पानी कम हो गया है, पानी डालूंगी मैं अभी। हाँ जी मिठू बोलो, मिठू। तो सुबह और शाम ना ये उड़ के आता है, मतलब हर जगह इधर घूम घाम के फिर दोबारा आ जाता है। और देखो ये कबूतरों के लिए मैंने रखा था, ये खा रहा था, इसका नीचे खाना बहुत सारा पड़ा हुआ है। कबूतरों का खाना खा देता है तू, हैं? कबूतरों का खाना खाता है, क्यों खाता है कबूतरों का खाना? क्या करना है? ए नहीं लेना, टमाटर नहीं दूंगी मैं, सब्जी बनाऊंगी इसकी, छोड़ दे ये टहनी। ये लड़ाई करता है कितना देखना। चलो जी आज की वीडियो का कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आना है मेरे पास, क्या करना है, आना है, आ जा, नहीं अभी नहीं आना, ठीक है, बाय बाय।